कामाख्ये वरदे देवी नील पर्वतवासिनी त्वं देवी जगत्माता योनिमुद्रे नमोस्तुते। माँ कामाख्या को प्रणाम करते हुए आइए तम यंत्रम के 18वीं कड़ी की शुरुआत करते हैं। कामरूप देश में विचरण करते हुए अब हम माँ के एक ऐसे योगी साधक से मिले जिन्होंने 80 साल की उम्र में भी अपने शरीर के प्रत्येक अंग को कठिन योगासनों के लिए तत्पर रखा था। मेरे एक निवेदन पर उन्होंने मां कामाख्या देवालय को जाती सीढ़ियों पर ही कठिनतम योगासनों को अंजाम देना शुरू कर दिया था। सचमुच उनके शरीर की साधनाएं असाधारण थी। किसी भी आसन को शुरू करने से पहले वो माँ तारा कहते और फिर योग आसन शुरू कर देते। आते जाते लोगों की उन्हें कोई फिक्र न थी। वो तो बस अपने में मस्त रहने वाले अद्भुत योगी थे। हमने उन्हें धन्यवाद कहा और आगे बढ़े तो एक ऐसे कापालिक साधु से हमारी भेंट हुई जो कई वर्षों से माँ कामाख्या के अम्बुवाची पर्व में शामिल तो होते हैं लेकिन आज तक उन्होंने माँ के गर्भगृह तक पहुँचने की इच्छा नहीं की। अद्भुत आश्चर्यजनक था उनका ये संकल्प, क्योंकि जितने भी तांत्रिक मांत्रिक कामरूप देश आते हैं वो माँ कामाख्या के गर्भगृह का दर्शन अवश्य करना चाहते हैं। आखिर क्या है उनका भाव पक्ष, हमने जानना चाहा तो उनका जवाब था, ठीक है। क्या शुभ नाम बाबा आपको, किस नाम? हमारा नाम है मार्कंडेय गिरी। हम पहले था गुप्त काशी में केदार का उधर, अभी जलपाईगुड़ी इधर ही रहते, एक तो अकड़ा बनाया आश्रम, उसी में हम योग करती है। और ऐसे फालतू अड्डा हमने नहीं मारता है। ये साधन मेरा छोटा में जैसे पढ़ाई लिखाई में जैसा था, हमने सोचता है जिस साधन ये भी एक तो PhD है, इसी में भी कुछ हो सकता है। इसका लास्ट रिजल्ट क्या है देखने पड़ेगा, इसीलिए हम इसका पीछे पड़ा हुआ है। आज 26 साल हो गया। कब शुरुआत हुई आपकी? हम यहाँ से शुरू हुआ है 92 से, और ये हुआ 2001 में। तो माँ का दर्शन हो गया? माँ का दर्शन हम ऐसे पूजा पाठ करता है लेकिन भीतर में कभी भी हम जाके दर्शन नहीं किया, क्योंकि हमारा जब नॉलेज में आ गया जो माइक अपना माँ जैसे वैसे यहाँ पर भी है, इसी है, एक ही है, तो इसीलिए और हमको मन नहीं चाहा दर्शन करें, ठीक है ना? अच्छा, जो ये तो बहुत बड़ी बात आप बोल गए। तो यहाँ पे जितने लोग और आते हैं, बहुत सारे तांत्रिक भी आते हैं,
वो लोग भी दर्शन नहीं करते अंदर? जिसका जिसका माइंड कैसा है मालूम नहीं है हमको। जैसे हमारा माई है, हम क्यों दर्शन करने जाएगा? जब माई का पेट से निकला उसी टाइम पे हुआ, आप नहीं चाहिए, यही हमारा साधन है। जितने भक्त उतने भाव। सृष्टि स्वरूपा माँ कामाख्या अपने किस भक्त को किस रूप का दर्शन करवाएं ये वही जाने। बहरहाल अब संध्या होने को थी जब हमने नीलांचल से सटे शिव पर्वत का रुख किया। इस पर्वत पर उतरती सीढ़ियों पर चलते हुए हम पहुंचे कोटिलिंग महादेव के पौराणिक स्थल पर। यहां एक गुफा के संकरे मार्ग से बाहर निकलते भक्तों को देखना आश्चर्यचकित करने वाला अनुभव था। वो दरार इतनी पतली थी कि उसमें से पार निकलना वाकई चकित करने वाला अनुभव था। कहा जाता है कि जो भी उस मार्ग से सहजता से बाहर निकल आया उसके जन्म जन्मांतर के पाप कर्म नष्ट हो जाते हैं। हमने देखा कि एक युवती उस दरार में बुरी तरह फंस चुकी थी। कहाँ से घुसा ये? तुम्हें चुनी चाहो? नहीं नहीं रिटर्न नहीं। हाँ? बराबर। कि तुम्हें ठाकुर के लाखों फिर ही जाने। परेशान मत हो, आराम से आराम। चौकों नंबर चिल्ला मारते हो। इतना ट्राई कर, इतना पाटा बाहर कर। जल्दबाजी मत करो। ठाकुर के लाख के बोलो। हे बाबा तो सरिता। बाबा तो आगे बाहर को। हाँ, आराम से आराम से करो। आराम से। हाँ, ये सरी को बाहर निकाल।